आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था, उनसे पूछा गया था, तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता सास ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूँ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूँ। मैं पितृ भी हूँ, मैं करुण भी हूँ, मैं वरुण भी हूँ, मैं जल भी हूँ, मैं आकाश भी हूँ। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्याय से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल रसातल पृथ्वी अग्नि आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव है। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूल अवश्य भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाए। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है।